व्लॉग्स बाय सुलेमान, अभी सब्सक्राइब कीजिए व्लॉग्स बाय सुलेमान को, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। आज मेरे साथ मुतीबा नहीं बैठी हुई, तो वो घर पे नहीं है, और जब वो घर पे नहीं होती तो आपको अब पता चल गया होगा मैं अकेले आता हूँ रिएक्शन करने के लिए। सो वो आ जाएगी एक आध दिन में, लेकिन आज रिएक्शन देना था। और वैसे तो जिस ट्रेलर में हम रिएक्शन देने जा रहे हैं, आपने नाम पढ़ लिया होगा टाइटल में, 3-4 दिन पहले इस मूवी का ट्रेलर आया। आई डोंट नो कैसे मिस हो गया ये, और बहुत सारे लोग हमें रोज़ कह रहे हैं इस पे रिएक्शन दो। और जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके बारे में, तो मुझे पता चला कि ये मूवी जो है रियल में जो इंसिडेंट हुआ है एक कपल के साथ, एक लेडी के साथ, उस पर बनाई गई है। तो मैंने कहा कि लाजमी इसको हमको देखना पड़ेगा। तो मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, नॉर्वे एक कंट्री है जैसे कि हम सबको पता है। तो मिसेस चैटर्जी जो कि इसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, पहले तो हम ट्रेलर देखते हैं। ट्रेलर देखने के बाद सारी हम ट्रेलर के हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। जो रियल इंसिडेंट हुआ था उनका नाम भी मिसेस चैटर्जी ही था, तो उन्हीं की लाइफ पर ये बनाई गई, उनके साथ क्या हुआ था उसी पर ये बनाई गई है। तो रानी मुखर्जी इसमें है, और अनडाउटेडली वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन बॉलीवुड। सो इसको देख लेते हैं, और मदर्स फाइट अगेंस्ट अ नेशन ऊपर लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखने के बाद आपसे करते हैं डिस्कशन, सो स्टे विद अस। नॉर्वे আর এ আমার হাজবেন্ড মিস্টার চ্যাটার্জি, এ কাম করতে হয় নরওয়ে মে। ওলে কে বরকতে নাই নাই, এ মেরা দোনো বাচ্চা লোক হ্যায়, শুভ আর সুচি। শুভ আর সুচি, ছোটি ছোটি খুশি আর চুন। আরে জিত হ্যায়, হাম আপনা প্যারা কলকাতা ছোড় কে নরওয়ে মে আপনা নয়া দুনিয়া বানায়া। নাইস, পর উস দিন ये लोगों ने हमारा दुनिया छीन लिया। वेलफेयर ने ये पाया है कि आप अपने बच्चों की देखभाल सही से नहीं कर पा रहे। What? आपके बच्चों की कस्टडी अब हमारे पास है। क्या बोल रहे? मेरा बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे है। प्लीज प्लीज मेरा बच्चा वापस दे दो। भाई ये क्या बात हुई? Wilfred has picked up the children without informing the parents. This couple here have been investigated for 10 weeks. Cultural differences को लेके इन्होंने तो केस बना दिया आप पे। बच्चों को हाथ से खाना खिलाते हो, साथ सुलाते हो, माथे पे टीके लगाते हो। वो इनका तो ये कहना है कि Mrs. Chatterjee has an unstable mind. This court rejects Mrs. Chatterjee's petition. No. Both children will be wards of the state till they are 18 years old. बच्चों की आड़ में बिजनेस चला रहे हैं ये लोग। जितने बच्चे ये फॉस्टर सिस्टम में डालते हैं ना, उतने ही पैसे मिलते हैं सबको। दोनों बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। तुम्हें कोई आइडिया भी है इस मैटर से मेरे सिटीजनशिप एप्लीकेशन में क्या असर पड़ेगा? तुम्हें तुम्हारे सिटीजनशिप के अलावा और कुछ दिखता है क्या? मैं जानू मेरू ये देश का मैटर है। इनको लगता है कि हमारा भिखारी देश है, विद नो कल्चर। जिस जिस जगह हमको न्याय मिलेगा, दुनिया का कोई भी जगह, वहाँ जाके हम लड़ूंगा। पूछो ये माँ के दिल से। देविका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम अच्छा माँ है, बुरा माँ है, पता नहीं, पर माँ माँ हूँ सर। वाह वाह, माँ तो माँ होती है। ओह माय गॉड, माँ एक ऐसा लफ्ज़ है ना कि ये खाली लफ्ज़ नहीं है, इसके साथ बहुत प्यार, बहुत इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और इमोशनल कर गया ट्रेलर, और ये रियल में हुआ है ये सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किसी माँ से उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ले लिए गए कि भाई तुम उसकी परवरिश नहीं ठीक कर रहे, ये कैसे हो सकता है? एक माँ अगर
बुरी हो, वैसे तो मैं मान नहीं सकता, अगर बुरी भी हो तो वो अपने बच्चे के साथ बुरा नहीं कर सकती। और जिस तरह शुरू में बड़ा प्यारा स्टार्ट हुआ, नॉर्वे आए, अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत की, कोलकाता से आए, बंगाली कपल हैं, और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग बंगाली बोल रही हैं रानी मुखर्जी, और उनके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे हैं, हैप्पी फैमिली। और एक दिन उठा के उनके बच्चों को लेके जाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे, और वो बोलते हैं कि तुम लोगों को हम 10 हफ्तों से इनको देख रहे हैं कि देखभाल ठीक नहीं कर रहे, कि तुम खाना हाथ से खिलाते हो, टीका लगाते हो, साथ सुलाते हो। भाई ये कहाँ लिखा है कि भाई आप किसी भी मुल्क में जाओ रहने, आप अपने घर के अंदर अपने बच्चों के साथ किस तरह से उनको खाना खिलाते हो, कहाँ लिटाते हो, ये तो आपका मैटर है, ऐसे तो ये नहीं होता। बहरहाल वो फिर वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे फॉस्टर में भेजने का एक उनको पैसे मिलते हैं, ये काम है। तो मेरे तो भाई मतलब एक खौफ पैदा हो गया कि क्या वाकई में ऐसा भी होता है बाहर। और एक माँ जिस तरह से लड़ रही है, वो कहती है दुनिया की हर उस जगह, हर उस कोर्ट में जाऊँगी जहाँ पर मुझे इंसाफ मिलेगा। और 18 साल तक के लिए कहते हैं कि कस्टडी गवर्नमेंट के पास, 18 साल के हो जाने तक। अभी वो बच्चे हार्डली 3-4 साल के होंगे, यानी कि 14-15 साल के लिए बच्चे छीन लिए। और जो असल में ये हैं, इनका सुना ये 2012 में शायद ये गए थे और इनके साथ ये हुआ था 2012, और अभी 2023 चल रहा है, यानी कि 11 साल हो गए। अभी क्या उनके बच्चे उनको मिले हैं कि नहीं मिले, ये मुझे नहीं पता, या आपको पता तो ज़रूर बताइएगा। एंड में बड़ा प्यारा एक, मैं डायलॉग तो नहीं कहूँगा, वाकई में वो बोलती हैं कि मुझे नहीं पता मैं अच्छी माँ हूँ कि नहीं हूँ, पर माँ हूँ, माँ हूँ, माँ। बहुत स्ट्रांग, बोलने में भी बहुत स्ट्रांग है, वर्ड भी बहुत स्ट्रांग है, माँ हस्ती भी बहुत बड़ी हस्ती। तो उससे उसके बच्चों को छीन लेना बहुत ही गलत बात है, बहुत ही, और मुझे नहीं पता कि किस दुनिया के किस मुल्क का ये लॉ है कि ऐसे बच्चों को जो हाथ से खिलाया जाए, अपने साथ सुलाया जाए, टीका लगाया जाए, उनको ले लिया जाए माँ से। सो रियली इमोशनल। और रानी मुखर्जी ने जिस तरह से इन इमोशंस को सामने ला कर रखा है, वो वाकई में लगता है जिस तरह वाकई में उनके साथ ऐसा हुआ है। तो स्पीचलेस हूँ, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा। आप इस केस के हवाले से कुछ ज़्यादा जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइएगा। एंड मैं चाहूँगा कि ये रिएक्शन मैं मुतीबा के साथ भी दूँ, उसके भी इमोशंस हम देखें कैसे हैं, उस वो कैसे इसको देखती है, वो हम जानेंगे। एंड आई होप आपको रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ब्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ नया ब्लॉग भी आया, उसको भी देखिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें फॉर लेटेस्ट फोटो स्टोरीज एंड अपडेट्स के लिए। सो इसी तरह आपके लिए नए नए और डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन लाते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।